कि वीडियो मिक्सिंग सॉफ्टवेयर कैसे क्या चलाना है। हमारे पास है एडियोस 8, इसको हम ये वाला सॉफ्टवेयर है, ये आप देख सकते हैं। इसको अपन ओपन करेंगे, ये ओपन होने में थोड़ा प्रोसेस लेगा। इसके लिए सिस्टम कंपैरिजन चाहिए अपने को, लगभग 8 GB रैम और i3, i5, i7 कोई से भी चलेगा। उसमें ग्राफिक कार्ड होना चाहिए लगभग 2 GB और लगभग 1 TB समथिंग हार्ड डिस्क होनी चाहिए। इसके अलावा SSD डलवा सकते हैं अपन, 128 GB या 10 GB। देखिए इसमें अपने मेरे क्या रेडीमेड प्रोजेक्ट पड़े हैं, इसमें अपन न्यू प्रोजेक्ट इसमें क्लिक करेंगे। इसमें आप 1920x1080, इसके अलावा 4K वगैरह भी कर सकते हो, लेकिन मैंने अभी नहीं किया है। इसमें अपन जैसे 720 वाला प्रोजेक्टर लेंगे, इसको अपन ने क्लिक किया। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे फाइल मेन्यू है जो नॉर्मल फोटोशॉप में रहता है। न्यू फाइल, ओपन प्रोजेक्ट, रिसेंट प्रोजेक्ट, सेवर्स टेम्पलेट, एग्जिट प्रोजेक्ट, इम्पोर्टेंट सिक्वेंस, इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट, एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट, ऐसे सब इसमें सिक्वेंबल बने हुए हैं। एडिट में भी ये ऑप्शन, व्यू में है, क्लिप, मार्कर, मोड, कैप्चर, रेंडर, टूल्स, सेटिंग के अंदर सिस्टम सेटिंग, यूजर सेटिंग, प्रोजेक्ट सेटिंग, सिक्वेंस सेटिंग, चेंज प्रोफाइल, ऐसे इसमें सब बने हुए हैं। इसके अलावा अपन इसको पूरा मैनुअल सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे मैं सेट कर लेता हूँ इसको ऐसे, ये इसको मैंने इसे इधर कर दिया, इसको भी इधर कर दिया। इसके बाद ये थोड़ा इधर लेके, इससे को बीन को मैंने पूरा इधर ले लिया ये। तो ये क्या, आपने सबसे अपन पूरा इस प्रोजेक्ट को सेव कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ये अगर सॉफ्टवेयर सीख गए आप तो प्रीमियर का काम नहीं पड़ेगा आपको। प्रीमियर से बहुत आसान सॉफ्टवेयर है, प्रीमियर थोड़ा क्या है, थोड़ा डिफिकल्ट है। इसमें क्या सब अपन जल्दी समझ जाते हैं। इसको मैंने पूरा इसको सेट कर लिया। अब इसमें अपन किसी फाइल को इंपोर्ट करवाना है तो ये बिल वाले ऑप्शन पर अपन डबल क्लिक करेंगे। उसके बाद अपनी फाइल जहाँ भी पड़ी है वहाँ अपन ले लेंगे, जैसे अपने पास फाइल अपनी कहीं भी पड़ी होगी। इसमें आप ये कर्सर को अपने हिसाब से आगे पीछे कर सकते हैं, स्क्रॉल से इसको भी आगे पीछे कर सकते हैं। कंट्रोल दबा के आप स्क्रॉल घुमाएंगे तो ये छोटा मोटा अपन अपने हिसाब से कर सकते हैं इसमें स्क्रॉल से। उसके बाद इसमें ये सेकंड बताते हैं कि अपन ने कितने फ्रेम रखनी है, फ्रेम सेकंड पर सेकंड के हिसाब से। नॉर्मल एडिटिंग अपन 1 सेकंड 2 सेकंड पर फ्रेम के हिसाब से करते हैं। उसके बाद इसमें ये वीडियो लेयर, नीचे ऑडियो लेयर, ये टाइटल लेयर है, इसमें से नीचे टाइटल ऑडियो लेयर है। उसके बाद अपन ऊपर वीडियो लेयर अपने हिसाब से एड कर सकते हैं। ऐसे इसमें अपन अपने हिसाब से सब काम कर सकते हैं, बहुत इजी होता है इसमें काम करना। बस शुरू शुरू अपने सीखने में थोड़ा टाइम लगेगा, अगर आप सीख गए तो कोई दिक्कत नहीं इसमें। इसमें इधर आपको इफेक्ट मिलेंगे, जैसे नॉर्मल इफेक्ट, ये सब इसमें सॉफ्टवेयर के साथ ही आते हैं। आपको सॉफ्टवेयर पेड वर्जन भी मिल जाएगा आपको, और अगर आप लाइसेंस वर्जन तो बहुत महंगा मिलेगा आपको, क्रेक वर्जन में ले सकते हैं। जैसे कि वीडियो में वीडियो फिल्टर है सब अलग अलग, फिर कलर करेक्शन के हैं। ये मैं आपको पहले सॉफ्टवेयर के बारे में बता रहा हूँ, अब वीडियो मिक्सिंग का आप धीरे धीरे अपन सीखेंगे। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और डेली वीडियो देखने पड़ेंगे। ये क्या अपना पहला वीडियो है इसमें वीडियो मिक्सिंग के बारे में, जिसमें आप मैं आपको सॉफ्टवेयर की जानकारी दूँ। इसके अलावा मैं आपको दूसरे सॉफ्टवेयर बताऊँगा और अलग से। इसमें अलग अलग इफेक्ट हैं, बहुत सारे इफेक्ट मिलेंगे आपको इसमें। इसके बाद अपने सिक्वेंस बना सकते हैं। उसके अलावा ये आप एक इसमें क्या है, जैसे आप अपने हिसाब से पूरा अलग अलग सेट कर सकते हैं, आप अलग अलग एडिटिंग में यूज़ कर सकते हो इसको। पूरा सॉफ्टवेयर आप बिखेर सकते हो अपने हिसाब से, और जो अगर आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हो इसको क्रिएटिव बनाने के लिए। इसमें वो ऑप्शन भी है जो प्रीमियम में होता है कलर करेक्शन का, इसको ओपन भी गए और कलर करेक्शन में
ये मेरे प्राइमरी कि आपने ये पूरा उन लोगों का भी ये जब तुम्हें हो जाए स्पॉन्सर ये कम करने का ओके आप देख ही सकते हैं सब कितना अच्छा है।